हाय स्टूडेंट, मैं हूं संदू। जीआईटी का लाइव क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं वर्कर सैलरी सी एक्सेल में कैसे क्रिएट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा एक फर्म है और उस फर्म में मैं सोच रहा हूं जितने मेरे एम्प्लॉई हैं, जितने हमारे वर्कर हैं, उनका मैं सैलरी क्रिएट करूं। तो सैलरी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या हमको स्टेप फॉलो करना होगा, यही आज के क्लास में लोग सीखने वाले। तो इसको सीखने के लिए मैंने एक यहाँ पे डाटा बना कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने रखा है यह वर्कर नेम। तो सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ जो वर्कर काम कर रहे हैं वो हमारे यहाँ 10 वर्कर काम कर रहे हैं और सारे वर्करों का मैंने नाम भी यहाँ पे लिखा है, सर्वेश चौबे, ज्ञानू, आदित्य, राघव, ये सारे हमारे वर्कर हैं। उसके बाद से हमने यहाँ पे डे लिखा है। सपोज हम सोच रहे हैं एक हफ्ते का क्यों निकालें, तो यहाँ पे मंडे से लेके और मैंने यहाँ पे संडे तक, तो हमने मंडे से लेके यहाँ पे संडे तक हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने डेट दे दिया है। जैसे सपोज हमारे जो काम होता है वो मंडे से लेके और होता है संडे तक। तो यहाँ पे जो लोग जितने भी प्रेजेंट है मैंने प्रेजेंट चढ़ाया है, जो लीव लिए हैं उनको लीव चढ़ाया है, जो अब्सेंट है उनको हमने क्या किया है यहाँ पे अब्सेंट चढ़ाया है। फॉर एग्जाम्पल सर्वेश चौबे यहाँ पे मंडे को प्रेजेंट थे, वीडियो को भी प्रेजेंट थे, जब जब ये प्रेजेंट थे जिस जिस डेट को उनका मैंने पी लगाया है, जब लीव लिया तो एल लगाया है, जब वो अब्सेंट थे तो उनके लिए हमने यहाँ पे ए लगाया है। अब हमसे कहा या कोई कहता है, अच्छा सपोज मेरे यहाँ जो संडे है वो छुट्टी चलता है, तो मैंने संडे को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, मतलब हमने रेड कलर कर दिया है। तो क्या सुनाया, यह मेरे वर्कर है, मैं काम करवा रहा मंडे से लेके संडे तक। सपोज संडे को हमारे यहाँ छुट्टी रहता है, ठीक है। अब हमारा जो यहाँ पे मेन मुद्दा यह है कि जो मैंने यहाँ पे जो डाटा बनाया वो कैसे बनाया है। तो जो लोग प्रेजेंट है उनके लिए पी मेंशन किया है, जो लीव लिए उनके लिए एल मेंशन किया है और जो अब्सेंट है उसके लिए हमने ए मेंशन किया है। अब हमसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि टोटल वर्किंग डे मीन्स आपके यहाँ कितने दिन टोटल वर्क हुआ है एक हफ्ते में या एक महीने में, तो आप कैसे ज्ञात करोगे। अगर कोई आपसे कह देता है कि आपके यहाँ एक मंथ में कितना दिन वर्क हुआ है या एक हफ्ते में कितना दिन वर्क हुआ है, वो हमको काउंट करके बता दीजिए। तो अगर वो हमको काउंट करके अगर पूछना पूछा जाता है बताने के लिए, इसके लिए सबसे पहले हमको फॉर्मूला लगाना पड़ता है और वह फॉर्मूला होता है इक्वल काउंट ए, इक्वल काउंट ए। जैसे इक्वल करेंगे और काउंट ए करेंगे और ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आएगा वैल्यू वन, उसके बाद से वैल्यू टू, वैल्यू वन और वैल्यू टू। अब यहाँ पे मतलब क्या है कि जो हमारा रेंज है उस रेंज को हमको बताना है, गिनना है कि हमारे यहाँ कितना टोटल वर्क हुआ है। हम यहाँ पे लेंगे मंडे से लेके और यहाँ पे ले देंगे हमने संडे तक। तो मैंने संडे को ब्लैंक किया है तो काउंट नहीं करेगा और हमने कर दिया ब्रैकेट को बंद। जैसे ने ब्रैकेट को बंद किया और इंटर बटन दबाया, यहाँ पे निकल के आ गया 6। मीन्स मतलब क्या है कि हमारे यहाँ जो टोटल वर्क हुआ है वह हुआ है 6 दिन। और मालूम संडे को भी काम करवा रहे हैं, सपोज मैंने कर दिया यहाँ पे पी और यहाँ पे कर दिया यहाँ पे पी और यहाँ पे हमने कर दिया ए और यहाँ पे कर दिया यह, मतलब हमारा ये प्रेजेंट लिए हमने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इसको हम कर देते हैं 9। तो सपोज हमारे यहाँ मंडे से लेकर संडे पूरा काम होता है, तो यहाँ पे देखिए टोटल वर्किंग डे यहाँ पे बता दे रहा 7 डे और जैसे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सबका डेट निकल जाएगा, 7 डे हमारे यहाँ काम हुआ है। तो अगर कोई कहता है कि टोटल वर्किंग डे निकालना है तो हमको इक्वल करके काउंट ए लगाना होगा, ब्रैकेट को ओपन करके पूरे रेंज को सेलेक्ट करना होगा, फिर से ब्रैकेट को बंद करना होगा।
जैसे ब्रैकेट को बंद करेंगे आसानी तरीके से हमारा डाटा निकल के चला है। सपोज मान लीजिए हमारे यहाँ संडे को छुट्टी रहता है, इसको क्या कर देंगे, पूरा खाली रख देंगे और इसका कलर दूसरा मेंशन कर देंगे यहाँ पे येलो जो भी है। तो कितना आया जी, सिक्स डे। क्लियर है यहाँ तक? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हमने लेकिन है मेरे पास यहाँ पे काम होता है हमारे यहाँ, तो मैंने अंडू कर दिया। सेवन डे आ गया। अब हमको निकालना क्या है, प्रेजेंट डे, अब्सेंट डे और लीव डे। तो हमने बोला था कि जब भी कंडीशन के हिसाब से हमको कुछ ज्ञात करना हो, जैसे हमको चेक करना है कितना दिन प्रेजेंट है कंडीशन है, कितना दिन अब्सेंट है कंडीशन है, कितना दिन लीव लिया है कंडीशन है। तुमने बोला था कंडीशन के हिसाब से जब गिनना हो तो आप इस्तेमाल करते काउंटिंग फंक्शन। जब कंडीशन के हिसाब से हमको गिनना है तो आप हम इस्तेमाल करते काउंटिंग फंक्शन। तो हम करेंगे क्या, इक्वल और लगाएंगे काउंटिंग, काउंटिंग ब्रैकेट को ओपन। आप पहला ऑप्शन है रेंज, तो रेंज बताइए जहां से आपको कैलकुलेट करना है कि प्रेजेंट कितना दिन है। तुम्हारा रेंज जो है वो है मंडे से लेके संडे तक। उन्हें पूरा रेंज सेलेक्ट किया और ब्रैकेट को कर दिया बंद, नहीं कामा, और कंडीशन बताएंगे क्या निकालना है। तो क्राइटेरिया प्रेजेंट, तो हम क्राइटेरिया में कर देंगे डबल इनवर्टेड कामा और करेंगे पी और डबल इनवर्टेड कामा क्लोज और कर देंगे ब्रैकेट को बंद। इंटर बटन दबाते ही वो बता देगा कि सेवन डे आपके यहाँ काम हुआ है, उसमें से सिक्स डे सर्विस शो में कितना दिन है, सिक्स डे प्रेजेंट। और हमने क्या किया यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, तो जो जितना दिन प्रेजेंट है उसका काउंट करके यहाँ पे आ गया। तो देखो सर्विस शो में सिक्स डे, ज्ञानु गुप्ता टू डे, आदित्य सिंह फोर डे। ऐसे में क्या किया है, एक एक करके हमने यहाँ पे प्रेजेंट डे निकाल लिया। तो अगर आपको प्रेजेंट डे निकालना है तो सब सिंपल स्टेप है, एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। करेंगे क्या, इक्वल काउंटिंग ब्रैकेट को ओपन, पहला पूछा जरा रेंज, तो रेंज में आल रेंज सेलेक्ट करेंगे जहां से जहां तक कैलकुलेट करना है। तो मुझे मंडे से लेके संडे तक कैलकुलेट करना है, पूरा रेंज सेलेक्ट कर लिया, कर दिया हमने कामा। क्राइटेरिया क्या कैलकुलेट करना है, तो प्रेजेंट निकालना है, तो हमने कर दिया डबल इनवर्टेड कामा में पी, यहाँ पी कर दिया, डबल इनवर्टेड कामा को क्लोज कर दिया, हमने ब्रैकेट को बंद कर दिया और कर देंगे इंटर बटन यहाँ पे दबा देंगे। आ गया सिक्स डे, सेवन डे में सिक्स डे प्रेजेंट है क्योंकि एक दिन इनका लीव है। अब यहाँ पे आते हैं और ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो जो जितना दिन प्रेजेंट है उनका निकल के चला है। इतना सबको क्लियर है, बोलिए। चलिए नेक्स्ट, आगे निकालना है अब्सेंट डे, उसके बाद से निकालना लीव डे, बोला अब्सेंट कितने दिन हुए हैं और लीव कितने दिन लिया है इन्होंने। तो चलिए इसको निकालने के लिए करेंगे इक्वल, लगाएंगे काउंट टीप और कर देंगे ब्रैकेट को ओपन। और अगला ऑप्शन है रेंज, तो रेंज में हमको लेना है रेंज, मैंने लिया मंडे से लेके संडे तक, तो मैंने मंडे से लेके संडे तक सेलेक्ट किया और कर दिया हमने कामा। अगला ऑप्शन है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में क्या निकालना हमको, अब्सेंट डे, तो हम कर देंगे डबल मंडे कामा, उसके बाद से हम करेंगे ए डबल मंडे कामा क्लोज और कर देंगे ब्रैकेट बंद और कर देंगे इंटर बटन दबा देंगे। यहां पर निकल गया जीरो, मींस सेवन डे में सिक्स डे प्रेजेंट है और अब्सेंट एक भी डे नहीं, मींस जो वन डे है वो लीव लिया होगा। बस यहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, निकल के चला है सबका। जो जितना दिन प्रेजेंट है प्रेजेंट आ गया, जो जितना दिन अब्सेंट है अब्सेंट आ गया। सेम वैसा हमको लीव निकालना है, तो लीव निकालने के लिए करेंगे इक्वल काउंटिंग ब्रैकेट को ओपन, पाला पूछा जा रहा रेंज, तो रेंज में फिर से पूरा रेंज
कामा डबल में कामा लगा देंगे, यल डबल में कामा क्लोज, ब्रैकेट को कर देंगे बंद और इंटर बटन दबाएंगे, यहां पे निकल के चला है। तो बस हम करेंगे क्या, यहां से जैसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे टोटल निकल के चलाया, सेवन डे में कितना प्रेजेंट है, कितना अब्सेंट है और कितना लीव लिया है, यह मैंने पूरा के पूरा डाटा निकाल के देखा। अब रहा सवाल कि सर अगर मान लीजिए हमको टोटल सैलरी ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा समझिएगा। आप लोग यहाँ पे लिखा पर डे सैलरी, तो देखो जो सर्वेश चौबे है उनको मैं पर डे सैलरी देता हूँ वो 300 रुपए देता हूँ, ज्ञानू में उनको देता हूँ 200, आदित्य सिंह उनको देता हूँ 250, मतलब जैसे जिनका काम है वैसे मैं उनको हर महीने या पर डे मैं क्या करता हूँ वैसे मैं सैलरी देता हूँ, ठीक है, वेतन देता हूँ उनका, मजदूरी देता हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हमने बता दिया कि किसको कितना कितना देते हैं और हमको निकालना है टोटल सैलरी इनका कितना बन रहा है। तो टोटल सैलरी ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, करेंगे इक्वल और कितना दिन प्रेजेंट है 6 डे, तो प्रेजेंट को सेलेक्ट करेंगे इनटू क्या पर डे सैलरी और इंटर बटन दबाएंगे और यहाँ पे निकल के आ गया 1800। मैं इसी हफ्ते में सर्वेश चौबे को हमको देना था 1800, ठीक है, ज्ञानू को ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते। हम आसानी तरीके से इसका इस्तेमाल करके देख सकते हैं। यहां तक सबको क्लियर है, क्या हुआ क्या? चलिए ठीक है, टोटल सैलरी एक बार और बता दे, देखिए करेंगे क्या, करेंगे इक्वल और कितना दिन प्रेजेंट है उसको सेलेक्ट करेंगे इनटू पर डे सैलरी क्या होगा 300, मैंने पर डे सैलरी ले लिया और इंटर बटन दबा दिया निकल के आ गया, क्लियर है। और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे निकल के चला आएगा। सबको समझ आया ये कैसे होगा? चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने एक हफ्ते का निकाला, सपोज अगर कोई कहता नहीं एक महीने का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो एक महीने का निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहले इस पूरे को जो सेल हमारा जो हेडिंग है मेन हेडिंग है उसको हम क्या करेंगे, सीरियल नंबर और वर्कर रैंक दोनों को कॉपी कर लेते हैं और कहीं नीचे लाके यहाँ पे और लाके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको सेलेक्ट लाके हमने यहाँ से पेस्ट कर दिए। अब पेस्ट करने में करेंगे क्या, यहाँ से हम दे देंगे, सपोज मान लो जो स्टार्ट होता है इस महीने का मुझे सैलरी बनाना है, तो जो इस महीने का फ्राइडे था फर्स्ट डे हमने लिख दिया यहाँ पे 1 और 1 करने वाला लिख दिया यहाँ से 2 और यहाँ पे कर देंगे 1 2 को सेलेक्ट और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कहाँ तक 30 डे तक। बना दिया उसका तो आएंगे क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे फ्राइडे या फ्राई और क्या करेंगे यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप एक महीने के बना के दिखा रहा हूं मैं आपको, क्लियर है सबको। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद पूरा टेबल हम बना लेंगे, आल टेबल जहां तक हमने बनाया था आल टेबल कर देंगे और आल टेबल करने के बाद हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे किनारे आएंगे और जो मेरा मेन हेडिंग है यहाँ पे ये किनारे वाला टोटल वर्किंग डे प्रेजेंट डे इसको पूरे को कॉपी कर लेंगे, फिर से नीचे आएंगे और लास्ट में लाके पेस्ट कर देंगे और दो बार क्लिक करके इसको सबको क्लिक करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एडजस्टमेंट कर देंगे।
तो पूरे को एक बार सेलेक्ट किया और हम कर देंगे डबल क्लिक, अपने रिक्वायरमेंट के साथ एडजस्टमेंट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट और अब्सेंट चढ़ाना है। तो सपोज मान लो यही सीरीज हम क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और जो प्रेजेंट अब्सेंट है यहां से चढ़ा देते हैं। अब बस इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, कहां तक, 30 डे तक। अब हमसे कोई कहता है कि टोटल वर्किंग ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट डे ज्ञात कीजिए, अब्सेंट ज्ञात कीजिए, लीव ज्ञात कीजिए पर डे और टोटल सैलरी। तो सिंपल तरीका है, टोटल वर्किंग डे के लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल काउंट ए, ब्रैकेट को करेंगे ओपन, वैल्यू, तो वैल्यू में क्या लेंगे, ऑल डेट, जितने डेट है माने 1 से लेके 30 डे तक। सेलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट को बंद किया, इंटर बटन दबा दिया, तो यहां पे 30 डे आ गया और यहां से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, ऐसे निकल के आ गया। अब अगला पर डे सैलरी, नहीं पर जेंट डे, अब्सेंट डे, लीव डे, सेम वही तरीका, इक्वल काउंटिंग, ब्रैकेट को ओपन, रेंज, रेंज में वही रेंज, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, उधर करेंगे कामा, डबल एंड कामा, पी डबल एंड का बंद, ब्रैकेट बंद, इंटर, यहां पे परसेंट निकल के आ गया। ऐसे अब्सेंट निकाल लेंगे, वैसे लीव डे निकाल लेंगे, वैसे पर डे सैलरी दे देंगे और वैसे टोटल सैलरी हम यहाँ पे दे देंगे। तो बहुत सिंपल है, एक महीने का निकाल सकते हैं, एक हफ्ते का निकाल सकते हैं, आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर है आप निकालना कैसे चाहते हैं। लेकिन अगर कई लोग क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं कि सर मान लीजिए एक महीने का अगर सैलरी उसका कितना है, एक महीने का सैलरी अगर उसको 20,000 मिलता है तो उसका पर डे सैलरी क्या होगा, तो आप डिवाइड करके निकाल सकते हैं कि पर डे सैलरी क्या होगा और आसानी तरीके से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसको एक महीने का जो सैलरी मिलता है, जो एक महीने का सैलरी मिलता है उसको मिलता है 20,000। तो अगर कोई कहता नहीं पर डे सैलरी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इक्वल 20,000 डिवाइड बाई 30 और इंटर बटन दबा देंगे, निकल के आ गया 666 रुपया। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से निकाल सकते हो, अब जैसा हो, मीन्स आपको इतना चेक करना पड़ेगा कि जैसे सपोज किसी मंथ में हमारा 31 का मंथ होता है, किसी में 30 का होता है, तो उस समय उसी रेशियो के हिसाब से हम आसानी तरीके से निकाल सकते हैं कि कैसे इस महीने में पर डे सैलरी क्या पड़ेगा, अगले महीने में पर डे सैलरी कितना क्या पड़ेगा, और उसके बाद आसानी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं और टोटल सैलरी निकाल सकते हैं। यह हमारा तरीका है कि हम आसानी तरीके से किसी भी फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। तो लगभग टोटल सैलरी आसानी तरीके से आप लोग याद कर ले जाओगे, कोई दिक्कत है तो बताइए। आप लोग वर्कर सैलरी शीट में कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई क्वेश्चन है, क्लियर है ना। चलिए,